आखिरकार कैसे एक बॉलीवुड एक्टर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी बड़ी बात कह सकता है? आखिरकार कैसे एक एक्टर पूरी की पूरी यूपी सरकार पर निशाना साध सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं पूनम अधिकारी। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सनसनी फैलाना अब मानो एक आम बात हो गई है, और जब बॉलीवुड स्टार्स को लगता है कि उन्हें सुर्खियों में बने रहना है तो उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है या तो किसी नेता की बुराई करो या फिर उस वक्त की सबसे बड़ी घटना का जिक्र करो। इस वक्त हर तरफ अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर सियासी माहौल गर्म हो रखा है। विपक्षी पार्टियां हर तरीके से बीजेपी पर वार करने की कोशिश कर रही है, और इस बीच एक छोटा सा ट्वीट इस पूरे मामले में आग में घी का काम कर रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्टर और फिल्म समीक्षक KRK यानी कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किया है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि अब यूपी में कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त हो चुकी है, अब यूपी में दंगे नहीं होते और कर्फ्यू लगाने की तो नौबत ही नहीं आती। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। राजनेता तो राजनेता, बॉलीवुड स्टार्स भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे पड़ गए। हाल ही में इसी बयान को लेकर बॉलीवुड एक्टर और फिल्म समीक्षक KRK ने एक ट्वीट किया। KRK ने ट्वीट में कहा, CM साहब बोलने से पहले जरा कुछ तो सोच लिया कीजिए। सड़क पर लगातार हत्याएं हो रही है और रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो आपने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है? कमाल आर खान ने यहाँ सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कमाल आर खान ने ये ट्वीट अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर किया है, जो कि 15 अप्रैल को यूपी के प्रयागराज में हुई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या उस वक्त हुई जब वो पुलिस और मीडिया से घिरे हुए थे। वो सवालों के जवाब दे रहे थे कि इसी बीच उस पर और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब ये एक्टर कहाँ थे? जब दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ तब ये एक्टर कहाँ थे? तब इनकी तरफ से कोई ट्वीट क्यों नहीं किया गया था? लेकिन अब जब एक माफिया मरा है और उसका भाई मरा है तो अचानक से ये ट्वीट क्यों हो रहे हैं? आखिरकार क्यों बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार क्यों यूपी में प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही KRK बोल रहे हैं जो खुद कई बार जेल जा चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी ट्वीट की वजह से KRK इससे पहले भी कई बार फंस चुके हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जेल की हवा भी खा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपने गिरेबान में झांकने की बजाय KRK यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार ये कितना सही है? और आपकी अगर हमारे वीडियो को लेकर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर।